मंदसौर जिले के दलौदा नगर में निजी मकान पर जियो टावर लगाने के विरोध में रहवासियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर नारेबाजी करते हुए पंचायत सचिव दिलीप धाकड़ को ज्ञापन सौंपा है। देखें क्या है मामला। बता दें कि रहवासी आबिदा अब्बासी ने बताया कि रिलायंस कंपनी द्वारा जियो का 5G टावर लगाया जा रहा है। इसकी रेडिएशन तरंगों का प्रभाव कई लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस कारण दलौदा के कई लोगों ने कहा कि जियो का टावर कभी भी नहीं लगने देंगे और यदि टावर लगाया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी के सचिव दिलीप धाकड़ ने कहा कि रहवासियों ने टावर को लेकर जो आवेदन दिया है वो तहसील कार्यालय पर पहुँचाया जाएगा। आपने प्रदर्शन किया है और टावर का विरोध किया है और ग्राम पंचायत में जाकर के आवेदन भी दिया है, हाँ। क्या मांग है ये? हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर ये जो 5G टावर है, 4G 5G ये नहीं लगना है, बस ये नहीं लगना है, उसी का ही विरोध है, बाकी हमें और कोई वो नहीं। किन मांगों को लेकर के आपने प्रदर्शन किया, पूरा विस्तार में बताइए। हमें वहाँ पर ज्ञात हुआ था कि यह मोहल्ले में 5G टावर लग रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि पिछली बार भी कोरोना के कारण, कोरोना बीमारी तो नाम कोरोना का था लेकिन वो 4G और 5G रेंज के कारण ही लोग बाग मरे थे। हर घर में उस मोहल्ले में वार्ड नंबर 3 में जहाँ पर ये टावर लग रहा है वहाँ पर हर घर में दो व्यक्ति, मेरे घर में भी मेरी मम्मी, मेरे से छोटी बहन, उसकी डेथ हुई। हर घर में, हर घर घर में दो दो व्यक्ति की डेथ हुई है और कम से कम 40% लोग उस कोरोना के चपेट में आज भी हैं। अस्पताल के इलाज से ठीक तो हो गए हैं लेकिन आज भी हमारे में कमजोरियाँ हैं। अगर ये 5G टावर जो चल जाता है तो फिर से लोग उसकी चपेट में आएंगे, उसकी रेडिएशन का शिकार बनेंगे और उनकी मृत्यु होना है, या फिर किसी को कैंसर होगा, बीमारियां होंगी, बच्चे जो पैदा होंगे वो अपंग होंगे। ये जो टावर लगाया जा रहा है ये किसी निजी संस्था में लगाया जा रहा है कि निजी संस्था में है, निजी उसका संपत्ति है, निजी उस पर लगा रहा है वो। जो टावर का जो निर्माण किया जा रहा है उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों से मेरी तो बात नहीं हुई, अभी तो फिलहाल काम रुकवा दिया है पंचायत द्वारा उसका। अच्छा। कि पंचायत द्वारा काम रुकवा दिया है उसका, हम लोगों ने जो आवेदन प्रदर्शन किया उसके प्रभाव से अभी तो फिलहाल काम बंद हो गया है, लेकिन अगर वापस से जो काम चलाते हैं तो पूरे वार्डवासी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे वहाँ पर, उसको वहाँ लगने नहीं देंगे। नाम बता दो आपका। मेरा नाम आबिदा अब्बासी है जी। आज सुबह में ग्रामवासियों द्वारा जियो का जो एक टावर ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी अंतर्गत निजी मकान पर लग रहा है, जिससे संबंधित कुछ उनके उससे संबंधित लोगों द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें टावर नहीं लगने संबंधित उनका कहना है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई है। तो उस टावर से संबंधित जो भी है उनके आवेदन के ऊपर हमारे द्वारा उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई है, तो वो संबंधित दस्तावेज पेश करेंगे जो भी उनके पास है। तो इन लोगों ने विरोध किया है कि अगर टावर जो अगर यहाँ पे निर्माण किया लगाया गया है तो हम इसके विरोध में भूख हड़ताल करेंगे, ऐसा कुछ बता रहे, तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा जी? उनके संबंधित के पास क्या क्या दस्तावेज हैं इसको लगाने से संबंधित, या जो भी दस्तावेज है वो पेश करेंगे, उसके अनुसार जो भी होगा वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा। ऊपर इनके नियमानुसार अगर संबंधित कागज है तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बता दो। दिलीप ढाकर, सचिव ग्राम पंचायत दलौदा से शाहरुख रजा की रिपोर्ट।